सो so, वो जो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ओके हम अभी जो शुरू किया है हमने वो है आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर एट सो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में ओके सो न्यूक्लियस यू नो दैट इन अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रद्र ने किया था ना सो so, उसके बेस से उसके बेस के ऊपर ही जो 1911 में रद्र फोर्ड ने किसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को ठीक है और आपको बताइए कि उसने बोला था कि सिंपली जो एटम है उसका जो सारा का सारा मास है और जितना भी पॉजिटिवली चार्ज मैटर उसके अंदर है वो एक उसके सेंटर पे कॉन्सनट्रेटेड है एंड दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस है ना सो इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज मैटर यू नो दैट सो अबाउट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है मतलब ठीक है और जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वो एम्प्टी है जैसे मान लो एटम को सिफेरिकल बोला तो ये स्पेस जो यहाँ चल रहा है ये कर्सर चल रहा है ये स्पेस एम्प्टी है और इस एम्प्टी स्पेस में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स so, ठीक है सो so, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो होल मास अबाउट कितना भाई नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ दिस एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कार्ड न्यूक्लियस और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी यही है एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ठीक है सो नाइनटीन इलेवन में अल्फास्टरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड ओके सो अब न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन है यू नो दैट इन न्यूक्लियस देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोटोन एंड क्या वी न्यूट्रॉन ठीक है इन नाइनटीन थर्टी टू न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक जेम्स चैडविक ठीक है सो इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल ठीक है इट इज न्यूट्रल ओके एंड

ओके okay. अब अब सिंपल क्लियर हो गया कि ये भी जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं एक न्यूट्रॉन है दूसरा क्या है प्रोटोन है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है एंड प्रोटोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन बेसिकली हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है ठीक है वे दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियस सो जनरल यदि हम बात करें तो जो Uh, जितना भी आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सो जितना भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के इनसाइड है दैट इज़ बैलेंस्ड बाय दिस नेगेटिव चार्ज विच इज़ कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओके सो जो मास है आपका प्रोटोन का जो प्रोटोन है उसका जो मास है वो ये है वन पॉइंट सिक्स सेवन वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी सेवन के एंड लगभग लगभग न्यूट्रॉन का भी इतना ही है माइनस ट्वेंटी सेवन लगभग बराबर बराबर ही है ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन जीवॉल्व जो कर रहे हैं उनका मास भी आपको पता ही है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन डेज पर माइनस थर्टी वन के जी ओके सो सो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में सिंपली हम यही बात करेंगे कि दो तरह के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है ठीक है चार्ज और प्रोटॉन जो होता है सबको पता ही है कि ई तो बोलते हैं उसको और वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस नाइनटीन कोलम ठीक है और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है लेकिन यहाँ आप नेगेटिव लगा देंगे फिर यहाँ पर ठीक है सो ये था न्यूक्लियस के बारे में और जो सिंपली जो कोई एलिमेंट है उसका केमिकल सिंबल यदि हम जेड से एक्स से डिनोट करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दिस इज केमिकल केमिकल सिंबल है किसी भी एलिमेंट का ऐसे यदि हाइड्रोजन है तो एच लिख देंगे हीलियम है तो एच ई कर लेंगे लिथियम है तो एलआई कर लेंगे ऑक्सीजन है तो वो लिख देंगे नाइट्रोजन है तो है ना सो so, ये सिंपली केमिकल सिंबल है किसी एलिमेंट का और यहाँ लिखेंगे एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखेंगे मास नंबर सो जनरली जो न्यूक्लियस है उसको ऐसे रिप्रजेंट किया जाता है ठीक है फिर जेड क्या बताया मैंने जेड इज एटोमिक नंबर एंड एटोमिक नंबर इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स इन साइड द न्यूक्लियस ये अटोमिक नंबर एंड दैट इज इक्वल टू वट नंबर ऑफ प्रोटोन जितने अंदर प्रोटोन्स होंगे ना उतना अटोमिक नंबर होगा एंड वट इज दिस ए दिस इज मास नंबर ठीक है अब कलेक्टिवली ये जो आपके दोनों पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रोन और प्रोटोन collectively they are called nucleons. Nucleons. ठीक है क्या बोलते हैं इनको न्यूक्लियंस और यदि आप न्यूक्लिय मतलब जितने न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों का जो सम है वो बेसिकली एक ही बराबर आएगा तो मास नंबर इज सिंपली बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट वट नंबर ऑफ न्यूक्लिय न्यूक्लियन की संख्या के बराबर न्यूक्लिय कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटोन को ऐड कर दो ठीक है जी सो so, ये आ गया सो जनरली न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करेंगे वो मैंने बता दिया दिस इज केमिकल सिंबल दिस इज एटॉमिक नंबर दिस इज मास नंबर है ना एंड दिस इज इक्वल टू दिस जेड इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटोन इन साइड द न्यूक्लियस यू कैन से दिस इज एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड एंड दिस दिस इज इज मास नंबर नंबर आल्सो इक्वल टू ऑफ न्यूक्स मैंने बताया सम ऑफ दिस एंड क्या प्रोटॉन्स ठीक है और यदि न्यूट्रोनों की संख्या निकालनी है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड सो न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं भूलेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ठीक है तो ये सिंपल थी सो so, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी है कि वट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस सिंपली जो क्यूब क्यू चार्ज का सिंबल आपको बताइए सिंपली फुल टू पॉजिटिव होगा और जेड इन टू ई वी आर जेड जो है बेसिकली वो क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन्स अटोमिक नंबर मैंने अभी बताया और ई e क्या है ई e क्या है चार्ज ऑन वट प्रोटोन ठीक है सो so यदि एक प्रोटोन के ऊपर चार्ज ई है तो यदि न्यूक्लियस में आपके जेड प्रोटोन्स हैं तो जेड प्रोटोन्स के ऊपर कितना हो जाएगा जेड E एंड दैट विल बी चार्ज ऑन न्यूक्लियस यही होगा ना तो होता होगा न्यूक्लियस पे चार्ज अटोमिक नंबर मतलब मल्टीप्लाइड बाई क्या चार्ज ऑन प्रोटोन ठीक है और न्यूक्लियस का साइज़ आपको पता ही है कि इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन पर माइनस फिफ्टीन मीटर और ये इसकी बात करें तो ये डायमीटर है उसका ठीक है ये भी बात याद रखेंगे तो so यदि मैं आगे चलूँगा तो बात करूँगा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नेक्स्ट है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है दो नंबर का भी है ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ न्यूक्लियस यू कैन से ठीक है जी सो so, जो स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदर फोर ने और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज फाउंड दैट जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो तो डिपेंड कर रहा है उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोन्स कितने हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फॉन्ड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वट नंबर ऑफ न्यूक्लियस मैंने क्या बताया मास नंबर ये जनरल न्यूक्लियस ले लो कोई जेड एक्स से ऐसे ठीक है सो वॉल्यूम से पाया गया कि वो मास नंबर ए के प्रोपोर्शनल होता है ठीक है और जो न्यूक्लियस है उसकी जो शेप की बात करी थी वो सफेरिकल शेप बताई थी न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप ठीक है जी देर फोर जो वॉल्यूम हो जाएगा रेडियस उसका एदार है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री वाई आर क्यूब यहाँ लिख दो वॉल्यूम की जगह फोर बाई थ्री वाई आर क्यूब दैट इज डायरेक्टली पोर्शनल टू मास नंबर इट सिंपली रे आर इज रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ठीक है जी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सो यदि मैं आर क्यूब जो है वो ये कॉन्सेंट्रेट पर ही चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो हाँ एक फोर बाई थ्री पाई प्रोपोर्शनलिटी में अब्जॉर्व हो जाएगा तो आपके पास बच्चे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही तो यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब है परे जाके क्यूब रूट बन जाएगा तो ये आ गया आपका रेडियस हम न्यूक्स का फॉर्मूला आर नॉट इज ए कॉन्स्टेंट एंड फिर आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है वन पॉइंट टू इन टू टेन डेज पर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है कॉन्सटेंट है वैल्यू है सो आर नॉट बेसिकली दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फॉर मी टेन पर माइनस फिफ्टीन मीटर जो होता है ना याद रखेंगे टेन पर माइनस फिफ्टीन मीटर जो होता है वो होता है वन फर्मी एफ एम कर लिखते हैं इसको ठीक है जैसे आपको पता है टेन पर माइनस टेन जो होता है वो होता है वन एंड स्ट्रॉन्ग ठीक है वैसे ही आप याद रख लो कि टेन पर माइनस फिफ्टीन मीन वन फर्मी तो ये है इसकी वैल्यू वन पॉइंट टू फर्मी तो ये फार्मूला नहीं आपने बोलना है ये आता है क्वेश्चन बोर्ड में टू मार्क्स का वेरी सिंपल सो आर इज गर नॉट इट इज टू पाप्लम बाई थ्री वेरी इज मास नंबर ठीक है जैसे किसी ने बोला कि कोई न्यूक्लियस है मान लो बेरिलियम का है तो उसका जो मास नंबर है वो दिया है आपको एट तो फाइंड इट्स रेडियस तो आपने कुछ नहीं करना आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री आर नॉट की वैल्यू पुट करेंगे वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज माइनस फिफ्टीन और एक, एक जगह कितना दिया है बोलो मास नंबर एट एट की पावर वन बाई थ्री सो यू कैन सॉल्व इट ये आ जाएगा देखो यहाँ से वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू दावर माइनस फिफ्टीन और ये जो आपका एट है इसको लिख सकते हैं टू रेज टू द पावर थ्री और फिर उसकी पावर वन वाई थ्री भी है तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा वन पॉइंट टू इंटू टू टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर मतलब टू पॉइंट फोर फर्मी आ जाएगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इस जैसे मैंने अभी बेरेम न्यूक्लियस की क्या निकाली रेडियस निकाली ठीक है और जैसे आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस दे दिया जिसकी ए, मास नंबर मान लेते हैं ट्वेंटी सेवन है बताओ इसकी रेडियस इस कितनी होगी मास नंबर ट्वेंटी सेवन मतलब आपने यहाँ एक जगह ट्वेंटी सेवन पर देना है यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी आर इज इक्वल टू आर नॉट एक जगह लिख देंगे ट्वेंटी सेवन की पावर वन बाई थ्री आर नाट आपको पता है और ट्वेंटी सेवन लिख देंगे थ्री रेज टू पावर थ्री और उसकी पावर कितनी है वन बाई थ्री तो थ्री से कैंसिल हो जाएगा इज़ थ्री टाइम्स आर नॉट एन आर नॉट की वैल्यू मैंने आपको ये बता दी ऐसे आप निकाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है कि प्रॉपरी नंबर थ्री डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ठीक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इसका सिंबल हम रोज बोल देंगे डेंसिटी का सिंबल रो ही होता है आपको पता है ठीक है सो so, सो न्यूक्लियर डेंसिटी सो डेंसिटी सिंपली आपको पता ही है कि इट इज सिंपली मास पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मैटर है न्यूक्लियस के अंदर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इट मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी और कंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैटर बेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द न्यूक्लियस सो

Density of nucleus, it means density of nucleus matter varies or you can say changes from point to point within the nucleus. Within the nucleus, so to सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम बी विल डिफाइन एवरेज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सो उसको हम रो बोलेंगे एंड इज सिंपली मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ठीक है सो मास ऑफ न्यूक्लियस सिंपली एम वॉल्यूम को भी बोल देते हैं ठीक है

तो न्यूक्लिय होते हैं न्यूक्लियस में ठीक है एक न्यूक्लियस का एवरेज मास एम है मैं तो ए का कितना हो जाएगा एम ए सुबह हो गया टोटल मास न्यूक्लियस का ये हो गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियस ठीक है और वो न्यूक्लियस कर शेप में तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फोर वाई थ्री रेडियस यदि है वाई आर क्यू अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ ऊपर पुट कर दो देर रो आ गया मास बटे वॉल्यूम और मास मैंने बताया एम इन टू ए और वॉल्यूम बताया लिखा ऊपर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो यहाँ से रो आ जाएगा एम ए फोर बाई थ्री पाई आर की वैल्यू क्या बताई थी आर नॉट ए रेज टू दावर वन बाई थ्री और उसका क्या है क्यूब है सो so इसको सॉल्व करिए आ जाएगा थ्री ऊपर चला गया एम ए अपॉन फोर पाई आर नॉट क्यूब और ए की पावर वन बाई थ्री से थ्री कट गया ये आ गया ठीक है जी तो यदि मैं अब डेंसिटी निकालूं तो आ जाएगा थ्री इंटू दिस इज एवरेज मास ऑफ न्यूलियन ने लगभग मास ऑफ प्रोटोन के ही होता है तो वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज टू दॉवर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है ये से कैंसिल हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई फोर इंटू पाई की वैल्यू क्या बताइए थ्री पॉइंट वन फोर आर नॉट आर नॉट बताया था मैंने वन पॉइंट टू फॉर मी फॉर मी मीन टेन माइनस फिफ्टीन और इसकी पावर है थ्री इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस टू पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू दावर सेवनटीन के जी पर क्यूबिक मीटर सो दिस इज़ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्योंकि ए यहाँ कैंसिल हो चुका है सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ठीक है इसका मतलब सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी यही होगी याद रखनी है आप बिल्कुल नहीं बोलना है न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती सो so, सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है सभी न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी होती है वो इतनी ही होती है थ्री टू पॉइंट थ्री एट इंटू टेन पावर सेवनटीन को पर क्यूबिक मीटर ठीक है जी तो यदि हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि वट इज द टर्म आइसोटोप ठीक है सो so, आइसोटोप क्या होते हैं सिंपली दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ठीक है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट पढ़ाई आपने बताया है आपको हैविंग uh, क्या सेम जेड सेम एटॉमिक नंबर है ना और डिफरेंट क्या होगा बोलो बट डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट ए ठीक है सो जैसे फॉर एग्जांपल आपका वन एच वन हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं वन एच वन वन एच टू ठीक है सो so, तीसरा हो गया वन एच थ्री ठीक है सो so, हो गया प्रोटो प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रीटियम ठीक है अब आइसोटोप जो है बेसिकली वो एटम सेम एलिमेंट के हैं जैसे एलिमेंट है, हाइड्रोजन था ठीक है आइसो बार्स आइसो जो होते हैं दे आर एटम्स ऑफ वट इज सेम की जगह डिफरेंट एलिमेंट सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक हैविंग हैविंग सेम ए बट डिफरेंट क्या जेट ठीक है फॉर एग्जांपल आपके पास ही आ गया देखो जैसे इसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे आर्गन आ गया या गया की आ गया के आ गया पोटैशियम उसके बाद आपका कैल्शियम आ गया ना यदि इसका एटीन है नाइनटीन है ट्वेंटी है ठीक है सो so यहाँ आपका आ जाएगा फोटी फोर्टी फोर्टी तो इसमें ये देखिए जैसे ऊपर हमने बोला सेम जेड तो जेड सेम है वन 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 और डिफरेंट क्या है ए इसमें ब्लट है इसमें आपका ए सेम है फोर्टी 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 और हर एलिमेंट का टॉमिक नंबर डिफरेंट है सो so डिफरेंट इसमें जेड है ठीक है मतलब सेम ए होगा इसमें बट डिफरेंट क्या होगा जेड होगा ठीक है उसके बाद है वट इज बाय बाई टर्म आइसोटोन्स नाम से क्लियर है दीज आर आल्सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutrons, of different elements having same number of neutrons, ठीक है, जैसे example के तौर पे example इसमें आप ले सकते हो carbon, nitrogen, oxygen, ठीक है, ठीक सात आठ एटॉमिक नंबर आ गया और ये आ गया चौदह पंद्रह और इधर सोलह और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो जरा इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस चैड सो चौदह माइनस छ कितने आएंगे बोलो आठ ठीक है यहाँ भी पंद्रह माइनस सात कितना आएगा आठ और यहाँ कितना आएगा सोलह माइनस आठ आठ तो आपने देखा कि न्यूट्रोनों की संख्या क्या रही सेम रही तो इनको बोलेंगे आइसोटोन्स कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सो दीज आर ऑल्सो आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी सिंपल ठीक है बात करेंगे कि वट इज मेंट बाई दर्म एटॉमिक मास यूनिट बिल्कुल कैमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप सो इट इज सिंपली वन ट्वेल्व ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम ठीक है so, सो यदि मैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को लगाऊंगा तो जो एवोगेड्रो नंबर होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री एटम्स जो होंगे कार्बन के सी ट्वेल्व एटम के एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन कितना ठीक है तो ये होता तो है ना आपका कार्बन सी सिक्स ट्वेल्व इसका मतलब इसको लगाएंगे तो इतने एटम्स का जो मास होगा वो ट्वेल्व ग्राम होगा तो आपको तो एक एटम का चाहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डिवाइड कर दो ट्वेल्व अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री ट्वेंटी थ्री देर फिर ऊपर पुट कर दो यहाँ पे और बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई ना आगे

होता है वन एटॉमिक मास यूनिट के जी में ठीक है सो so, अगला क्वेश्चन ये आता है मेरा सिंपल सा दो नंबर का कि इस मास की एनर्जी बनाओ ठीक है कन्वर्ट वन एम यू ऑफ मास इनटू एनर्जी सो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू इतनी एनर्जी आएगी जूल में नहीं आएगी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, में। प्रूव करो सो वन एम यू आपको पता ही है कितना होता है सिंपली वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के ठीक है तो अकॉर्डिंग टू आइंसटाइनज इक्वेशन तो आइंसटाइन इक्वेशन क्या बोलती है वो बोलती है कि ईज इक्वल टू मास की एनर्जी बनानी है तो इस ऐसे करेंगे मास एंड एनर्जी आर इंटरकनवर्टिबल तो टू एम सी स्कीय पूर्ती वैल्यू मास की वैल्यू केजी में लिखनी है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन और सीज वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रो इंटू कितना होता है टेन पावर एट उसका क्या आ गया होल स्क्वायर तो आपके पास ई e की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हाँ ये आ जाएगी जूल में और आपको है कि वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन जूल ठीक है दोनों तरफ टेन पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करो टेन सिक्स को बोलते हैं मेगा तो यहाँ आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट और यहाँ भी आप मेगा लिखो मेगा को आप यहाँ लिखो टेनरेज टू दी पावर सिक्स ये आ गया ठीक है अब आप देखो ये वन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है बेसिकली ये कितना बचा पड़े को टेन हंड पावर माइनस थर्टीन ये तो बोलने का मतलब ये हो गया कि जूल से यदि मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में जाना है ना आपने तो इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा सो डिवाइड इट सो वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन हंड्रेड पावर माइनस ट्वेंटी सेवन नाइन इंटू टेन हंड्रेड पावर सिक्सटीन अब मैं बोल रहा हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में जाना है मेरे को तो फिर इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से सो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रुपए माइनस थर्टीन ठीक है जी और फिर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक ए एम यू मास की लगभग एनर्जी आ जाएगी नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट तो वन एटॉमिक मास यूनिट कितने के जी होता है इतना तो इसकी एनर्जी बना दी और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में आती है इतनी तो वन एटॉमिक मास यूनिट की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है जी आगे हम चलते हैं कि बात करते हैं वट इज मेट बाई दर्म मास डिफेक्ट सो मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है कि डेल्टा में इसका सिंबल दे देंगे अब एक न्यूक्लियस बना न्यूट्रॉन और प्रोटोन से ये बन गया न्यूक्लियस तो जब मैंने इस न्यूक्लियस का मास यदि m है तो जब मैंने न्यूट्रॉनों का मास और प्रोटोनों का मास का सम किया तो मेरे पास जो मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बहुत सारे हैं नंबर इनका कुछ भी है तो वो मान लो टेन आ गया और न्यूक्लियस का जो मास आया वो है नाइन पॉइंट एट अब क्वेश्चन ये है कि जो डिफरेंस आया कितना आया डिफरेंस जीरो पॉइंट टू इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट और ये जो मास लॉस्ट मास हो गया मतलब और ये लॉस्ट मास फिर क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये डेल्टा में आ गया ना फिर ठीक है तो ये उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी फिर न्यूक्लियस को आपस आप में बाउंड रखने के लिए यूज होगी न्यूक्लियस में ये होता है मास और मास डिफरेंस तो इसको शब्दों में बोलो सो इट इज़ दी आंसर इट इज डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस ठीक है सो so, is the, answer, is the difference between sum of masses of Neutrons and protons and mass of nucleus. Okay. so it is the difference between Jodham Nebel's sum of masses of but some of masses of neutrons yeah, and protons. ठीक है एंड मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस तो यहाँ पे आप न्यूट्रोन एंड प्रोटॉन्स की जगह न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं ठीक है सो so, यदि मैं कुछ न्यूक्लियस ले लेता हूँ जेड एक्स से कंसिडर जनरल न्यूक्लियस ये सो इसमें जेड क्या है बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है जी और प्रोटॉन का मास ले लेते हैं एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है और फिर ए माइनस जेड जो है ए में आपको बताइए मास नंबर है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं जेड एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो ए माइनस जेड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे सो इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है सो मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन बोल देते हैं मास ऑफ ए न्यूट्रॉन याद ठीक है और मास इस न्यूक्लियस का मान लेते हैं जो न्यूक्लियस हमने कंसिडर किया एम मान लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस ठीक है जी फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो हम बात करेंगे कि डेल्टा एम क्या होगा फिर मैंने बताया कि न्यूक्लियस बना से तो न्यूक्लिय मीन्स प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स तो आपके प्रोटोनों की संख्या कितनी है जेड एक प्रोटोनों का मास कितना है एम पी तो जेड प्रोटोनों का कितना हो गया जेड एम पी तो ये हो गया प्रोटोनों का मास अब नंबर है न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है ये माइनस चैनल एक न्यूट्रॉन का मास कितना है एम एन तो न्यूट्रॉनों का मास कितना हो गया एक न्यूट्रॉन का है एम एन ये एक न्यूट्रॉन का आ गया मल्टीप्लाईडवाइ जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा तो ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन्स और ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ये आ गया मास डिफेक्ट ठीक है एम पी मास ऑफ़ प्रोटोन है ठीक है एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो ये आ गया तो ये बोल रहा था मैं कि ये मास जो है यदि टेन है तो मान लो ये है नाइन पॉइंट आठ तो लॉस्ट कितना हो गया जीरो पॉइंट टू ये है मास डिफेक्ट ये लॉस्ट मास जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इंटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू टूशन इज टू डेल्टा एम सी एन एंड दैट एनर्जी इज यूज टू होल्ड न्यूक्लियस टूगेदर इन साइड न्यूक्लियस ठीक है उसके बाद बात करेंगे कि वट इज मेंट बाय दर्म बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी सिंपली है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं न्यूक्लियस सो हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं और एनर्जी इक्वलेंट टू मास डिफेक्ट एनर्जी इक्वलेंट टू मास डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड ठीक है? और एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसग्रेट ए न्यूक्लियस इन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज ओके? सो यदि डेल्टा तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या आएगा फिर एनर्जी ई इज इक्वल टू और कैन सेनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इन टू सी सो so, ए आ जाएगा यदि आपकी मास के जी में है टाइम की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू वट एम एन माइनस एम और फिर ये डेल्टा को यदि मैंने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी बन जाएगी लेकिन ये बनेगी जूल में ठीक है और इसमें जो मास होगा वो होगा यदि के जी में ठीक है यदि मास एम यू में है। ये मासिस की जो वैल्यू है वो एम यू में एटॉमिक मास यूनिट में ठीक है तो फिर आप यहाँ से जो मैंने बताया कि वन एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया मैंने आपको ठीक है तो मेरे पास फिर मान लो ये डेल्टा एम जो है सारा का सारा जो डेल्टा एम है ये एम यू में एक के एम यू के लिए एनर्जी इतनी तो डेल्टा एम ए एम यू के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी नाइन थर्टी वन इंटू डेल्टा ठीक है सो so, ये जो नाइन थर्टी वन डेल्टा लिखा यही तो बाइंडिंग एनर्जी है फिर सो बाइंडिंग एनर्जी हो गई नाइन थर्टी वन को जब मैं नाइन थर्टी वन से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा को तो वो कौन सी एनर्जी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी लेकिन आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रखें ध्यान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो so, yeah, ये आ गया फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉमूला देखो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाँ डेल्टा एम को लिखो ये सारा का सारा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर नाइन थर्टी वन से ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ये तो आ गया मास डिफेक्ट जैसे ही मास डिफेक्ट को मैं नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी क्या बन गई एनर्जी लेकिन जूल में नहीं बनेगी किस में बनेगी मैग इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बोल रहा था मैं ठीक है तो ये थी बाइंडिंग एनर्जी ठीक है और जैसे हम टॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सो so, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में ही बता देता हूँ आपको ठीक है बाइंडिंग एनर्जी चलो नेक्स्ट पे बताते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ठीक है इट इज सिंपली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स ओके सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन सिंपली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स ठीक है और यूकन से इट इज़ सिंपली दिनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर एक्सट्रैक्ट करना है निकालना है सो तो कितनी एनर्जी चाहिए दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और नंबर ऑफ न्यूक्लियन मैंने आपको क्या बताए हैं मास नंबर सो तो ये मतलब तो बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बन गया ठीक है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है बाय एनर्जी पर न्यूक्लियन का वो ये सिंपल कि जिस जिस भी न्यूक्लियस की बाइन एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक है लार्जर दी वैल्यू ऑफ बाइन एनर्जी पर न्यूक्लीओन मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लार्जर दी वैल्यू ऑफ व्हाट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन कॉमा मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस मोर स्टेबल विल बी दी न्यूक्लियस ये रखें ध्यान ठीक है सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मुला क्या बताया था बोलो बाइन एनर्जी जेड एम पी आपको बार बार बोल रहा हूँ ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम ये तो हो गया था ना मास डिफेक्ट और फिर इसको नाइन थर्टी वन से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किस में आ रहा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बटा किससे करना है ए से तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला ठीक है ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी मीन वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक है इसमें एग्जाम्पल बताता दूँ आपको मान लो हीम का न्यूक्लियस है इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको दी हुई है ये दी हुई है मान लो वैल्यू की ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट और आपके पास लीथियम का न्यूक्लियस है इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको दी हुई है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट इन दोनों की वैल्यू देख के बताओ कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है तो बाइंडिंग एनर्जी तो आपको लिथियम की ज़्यादा दिख रही है लेकिन लिथियम ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखनी होती क्या देखनी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे हम पहले निकालेंगे किसके लिए हीलियम के लिए बोलो कितनी आई तो हीलियम के लिए आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई ए हीलियम का ए कितना है बोलो फोर ये तो आ जाएगा ये तो आ जाएगा चार तीन बत्तीस एक चार चौबीस सोलह ये आ जाएगी लगभग ठीक है अब निकालो लीथियम की ठीक है देखो सर पाइनिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन फॉर लिथियम ठीक है तो लिथियम की आ जाएगी ये कितनी है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई कितना है इसमें महेद को मास नंबर कितना है इसका सेवन तो सेवन से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी फाइव चार आठ तीस सात चौका तो लगोगी आ जाएगी सेवन फाइव तो थर्टी फाइव फोर बचा सेवन सिक्स सेवन का पढ़ रहे हैं सेवन फोर आएगा यहाँ छः पर एक सही आ जाएगी देखो अब आप बताओ कौन सा न्यूक्सर ज़्यादा स्टेबल है अब देखो बाइंडिंग एनर्जी तो हीलियम की कम थी लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आई बाइंडिंग एनर्जी लिथियम की ज़्यादा थी लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आई तो स्टेबिलिटी किससे चेक होती है जो वो न्यूक्लियन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा तो है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा किसकी है हीलियम की सो हीलियम की ज़्यादा है देखो सिक्स पॉइंट एट फोर और इसकी फाइव पॉइंट सिक्स वन ही है ठीक है इसका मतलब हीलियम ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं ठीक है सो so, नेक्स्ट जो है वो है कि बाइंडिंग एनर्जी जब हम पढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है ठीक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व इट इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन

ये इस तरफ मैं प्लॉट करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी नहीं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रही है ठीक है और इस तरफ प्लॉट कर देते हैं मास नंबर ये सो अभी ग्राफ ऐसे आता है देखो ये डब्ल्यू बनाना आपने यहाँ पे ये देखो ऐसे ऐसे ये ये एक दो डब्ल्यू बन गए और फिर ऐसे आएगा ये ग्राफ ठीक है जी ये आ गया ठीक है सो so, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं ना ये यहाँ तो होता है वन एच टू यहाँ होता है हीलियम यहाँ होता है बेरिलियम यहाँ होता है कार्बन और यहाँ होता है ऑक्सीजन ठीक है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाइनिंग एनर्जी जो आती है वो आती है आयरन न्यूक्लियस के लिए एफ ई फिफ्टी सिक्स होता है इसका मास नंबर और फिर यहाँ जैसे आपका आ जाएगा यूरेनियम टू थर्टी एट ठीक है और इसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी पर पानी की वो होती है लगभग सेवन पॉइंट एट ठीक है सेवन पॉइंट सिक्स के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए और इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ चलो ग्राफ में इधर को आ रही है ना वैल्यू एट पॉइंट एट होती है अभी किसकी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन की ठीक है तो इसके लिए नीचे को यदि हम लाएं ऐसे तो यहाँ जैसे आ गया आपका फिफ्टी सिक्स ठीक है दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी कर्व ठीक है, okay. so है? यादगा लिथियम बोरोन ठीक है इट्रोजन ये ठीक है सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर बेसिकली ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वट मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ओके okay? सो so, इस ग्राफ से क्या क्या दिख रहा है आपको बोलेंगे नाब so, आपने सो आपने देखा क्या जो लाइटर न्यूक्लियार लाइटर न्यूक्लियर जैसे आपका ड्यूटीरियम है इसलिए बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है कम वैल्यू है इसकी ठीक है और एक तो ये बात आ गई कि लाइटर न्यूक्लियर के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है मींस वो न्यूक्लिया ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है अनस्टेबल है ठीक है और इस ग्राफ में जो पीक्स आ रही हैं ये ग्राफ जो है ना ये स्टीपी ग्राफ नहीं है मतलब स्टीपी वेरिएशन नहीं है वेरिएशन जो है इसकी वो मतलब रेगुलर मैनर में नहीं है ठीक है सो ग्राफिक स्टीपी टाइप है ये स्टीपी एस टी डब्ल्यू पी वाई तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो रेगुलर वेरिएशन है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है मीनू न्यूक्लियर अनस्टेबल है ये जो पीक्स आती हैं यहाँ पे हीलियम बेरिलियम कार्बन और ऑक्सीजन के लिए ये पीक्स ये दिखाती हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियाई की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर नेबर्स नेबर में कौन है ही के नेबर में लिथियम है बेरिलियम के नेबर में बोरोन है कार्बन के नेबर में नाइट्रोजन है इसका मतलब क्या हो गया कि इन जो पीक्स आते हैं इस ग्राफ में ये दे इंडिकेट दैट दीज न्यूक्लिया आर मोर स्टेबल दैन देयर नेबर्स ठीक है मतलब इनकी माने एनर्जी पर न्यूक्लियर ज़्यादा है इनके जो नेबर्स हैं उनसे ठीक है तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाँ हैं कौन कौन हीलियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन उनके नेबर्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है और फिर जेड जो आपका ए है फॉर ए ग्रेटर दैन थर्टी एंड लेस दैन फिफ्टी सिक्स यू विल फाइंड इस रीजन में जो बॉइनिंग वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है ग्रेजुअली इंक्रीज दैन इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर बिच न्यूक्लियाई आयरन मतलब आयरन के लिए बाइन इंगर्जी पर न्यूक्लर सबसे ज़्यादा याद रखनी है वैल्यू दैट्स मे आयरन इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल न्यूक्लियाई है ठीक है आयरन जो है आयरन एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूकुलन सबसे ज़्यादा है किस न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूकुलन सबसे ज़्यादा है आयरन की कितनी है एट पॉइंट एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है फिर उसके बाद ही जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में फॉर ए ग्रेटर दैन फिफ्टी सिक्स यू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली विद मास नंबर ए फॉर दिस मच बाइंडिंग एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी स्टार्ट इंक्रीजिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और मैक्सिमम बन गई आयरन के लिए ठीक है और फिर इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए ग्रेटर दैन देखो इधर को अब डिक्रीज होना शुरू हुई सो फॉर ए ग्रेटर दैन फिफ्टी सिक्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड इट बिकम्स कितनी सेवन पॉइंट सेवन सिक्स सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यू टू थर्टी एटम न्यूक्लियस का अटोमिक नंबर नाइन्टी टू होता है ठीक है सो आपने ये देखा इस तरफ से अब आपने इसमें कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि जो लाइटर न्यूक्लियन हैं उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है लाइटर न्यूक्लियर जैसे ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए कम है मीन्स ये अनस्टेबल है यदि अनस्टेबल हैं तो फिर ये आपस में ज्वाइन करेंगे लाइटर न्यूक्लियर जैसे वन एस टू प्लस वन एस टू आपस में ज्वाइन करेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा हीलियम न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है कोई पूछे ज्वाइन क्यों करे स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्योंकि उनकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी जैसे कौन लिया मैंने रूटरियम रूटेरियन बाइंड एनर्जी पर निकलियन कम है देखो ठीक है ना ऊपर की ओर बढ़ रही है कम है ना इसका मतलब लाइटर न्यूक् बाइंडिंग एनर्जी पर निकलियन कम है मीज वन स्टेबल है तो दीज न्यूक्लियर विल ज्वाइन टुगेदर टू एक्वायर स्टेबिलिटी तो जैसे बन गया बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया ठीक है इसको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए आपस में जुड़े थे इस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन सो न्यूक्लियर फ्यूज़ क्यों करे ज्वाइन क्यों करे क्योंकि उनकी बैन इनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी इसका मतलब वो अनस्टेबल थे स्टेबिलिटी क्वायर करने के लिए वो आपस में ज्वाइन करेंगे और एक ऐसा न्यूक्लियस बनाएंगे जो स्टेबल होगा उसमें जो न्यूक्लियस होंगे उस न्यूक्लियस में जैसे यहाँ कौन सा बनाए हिलियम बनाए इसमें जो न्यूक्लियंस होंगे वो आपस में हाँ लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड होंगे ठीक है टाइटली बाउंड होंगे मतलब तो न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया और जैसे हम लाइटर न्यूक्लियर की बात कर ली अपने ड्यूटेरियम की जो हैब्बी न्यूक्लियाई हैं इनकी भी बाइन एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो ये न्यूक् डिसइंटीग्रेट करेंगे ये आपस में जुड़ेंगे नहीं ये डिसइंटीग्रेट करेंगे और डिस करेंगे तो लाइटर न्यूक् बनाएंगे और लाइटर न्यूक्लियर जो होंगे वो कैसे होंगे उनकी बाइन एनर्जी पर न्यूक्लियन जो न्यूक्लिया डिस इंटीग्रेट करा उससे ज़्यादा होगी मीन वो स्टेबल होंगे तो हैवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काम थी तो वो डिस इंटिकेट क्यों करे वो को स्टेबिलिटी ताकि उनके बाइनग्रेज पर न्यूक्लियो ज़्यादा हो जाए जो प्रोडक्ट्स वहाँ निकलेंगे ठीक है तो फिर वो जो प्रोडक्ट्स निकले उनकी बाइनग्रेज पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी मेन वो क्या होंगे स्टेबल होंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फीजन सो न्यूक्लियर फीजन जो है बेसिकली वो सिंपली द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इन लाइटर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हैब्बी न्यूक्लिया डिसिंडिकेट करेंगे और लाइटर न्यूक्लिया जो हैं वो फ्यूज करेंगे मीन वो ज्वाइन करेंगे आपस में टू क्वायर स्टेबिलिटी तो लाइट न्यूक्लियाई जो आपस में ज्वाइन करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और हैवी न्यूक्र डिसिंडिकेट करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है ठीक है सो so, ये था इस ग्राफ से दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो है बेसिकली वो ये है आपका ये देखिए आप यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ठीक है सो न्यूक्लियर फोर्स जो है बेसिकली सो so, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है प्रॉपर्टीज इसकी इम्पोर्टेंट है भी तो मैं बता रहा हूँ आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ठीक है अब न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं और क्या हैं प्रोटॉन्स हैं सो so, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है वहाँ प्रोटॉन्स के बीच एज वेल एज कौन सा फोर्स होगा अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा ठीक है लेकिन ये फोर्स अब आपको पता है न्यूक्लियस का साइज कितना है टेन पॉ माइनस फिफ्टीन मीटर डा मीटर है इसका सो so, इतनी सी कम डिस्टेंस पे ये जो दो फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू बहुत कम है ठीक है मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू बहुत कम आएगी कौन कौन से दो बताया मैंने एक बताया मैंने प्रोटोन्स प्रोटॉन्स के बीच कूलम्स रिपल्सिव फोर्स और दूसरा बताया बिकॉज ये पार्टिकल्स हैं मास है इनके तो मासेज तो मास के बीच कौन सा होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लेकिन वो कितनी डिस्टेंस पे लगेगा भाई ये डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस के साइज़ से बाहर तो जा नहीं सकते डायमीटर इतना है तो मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू बहुत कम आएगी बट देरफो टू Account for stability of nucleus, a new attractive force was introduced by scientist Japanese scientist Yukawa, and that attractive strong attractive force is called nuclear force, jiski value uska jo magnitude hai us force ka wo इन दोनों forces से बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से दो? Electrostatic Coulomb's force, electrostatic force, अम्परिपल्शन जो है protons के बीच और दूसरा कौन सा बताया मैंने? इन particles के बीच जो attractive force है। उससे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ठीक है सो so, ये है न्यूक्लियर फोर्स सिंपली डिफाइन इट नाउ न्यूक्लियर फोर्स सिंपली दी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड न्यूक्लियंस टूगेदर इन साइड द न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ओके अब क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और मैंने बताया इट वॉज हाँ कावा जो जैपनीज साइंटिस्ट थे उन्होंने के बीच न्यूक्लियर फोर्स की बात करी थी ठीक है सो क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट की इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है तो पहले मैंने बता दिया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है अभी और जो इसका मैग्नीट्यूड है कूलम फोर्स है हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे टेंट्रेल थर्टी सिक्स टाइम्स स्ट्रॉन्ग है याद रखेंगे एक अट्रैक्टिव ही है मोस्टली ये यदि पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियम की और वो डिस्टेंस के बीच ग्राफ़ बनाया जाए फर्म ये लिखा है फर्मी एफ एम ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है यहाँ जैसे वन है यहाँ है वन थोड़ा सा आगे सो so, जीरो पॉइंट एट पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम तो फिर ये लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट एट डिस्टेंस दिस सो so, इस डिस्टेंस यदि न्यूक्लियस के बीच ग्रेटर देन आर नॉट है आर नाट कितना बताया मैंने जीरो पॉइंट एट फर्मी यदि न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस इससे ज़्यादा है तो फोर्स कैसा बन जाएगा बोलो अट्रैक्टिव उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजिज़ एंड बिकम्स इफ डिस्टेंस बिकम्स लेस देन आर नाट मतलब आर नॉट से डिस्टेंस लेस होगी है ना इफ डिस्टेंस आर इज लेस देन आर नॉट तो क्या होगा वो रिपल्सिव बन जाएगा ठीक है ये बोल रहा हूँ मैं आर लेस हो गया आर नॉट से तो फोर्स कैसा बन जाएगा रिपल्सिव ये ठीक है सो so, मतलब डिस्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट एट फॉर मी न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एज डिटेंस बिटवीन न्यूक्लिय्रीजिज एंड बिकम्स लेस देन आर नॉट दैन दिस फोर्स बिकम्स रिपल्सिव लेकिन जो मेनली है ये वो अट्रैक्टिव ही है कौन न्यूक्लियर फोर्स ये मेनली अट्रैक्टिव ही है और ये चार्ज इंडिपेंडेंट है भी ठीक है चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो तो तरह के पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स हो सकते है. नूट्रोन, नूट्रोन सकता है न्यूट्रॉ न्यूट्रोन का भी हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटोन का भी हो सकता है प्रोटोन प्रोटोन का भी हो सकता है इसमें चार्ज पार्टिकल कौन है प्रोटोन है ठीक है तो so, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जितना फोर्स इसके बीच होगा उतना इसके बीच होगा उतना इनके बीच होगा यदि इनके बीच में वन न्यूटन है तो इनके बीच में वन न्यूटन होगा इनके बीच भी वन न्यूटन होगा चार्ज से कोई लेना देना नहीं है चार्ज इंडिपेंडेंट ठीक है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है ठीक है और आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बीच एग्जिस्ट करेगा तो वो एग्जिस्ट करेगा वैन डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ कम्पेरेबल टू साइज ऑफ़ न्यूक्लियस और वो कितना बताया था मैंने साइज ऑफ न्यूक्लियस टेन पो माइनस फिफ्टीन मीटर दो न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कम्पेरेबल विद वट साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड वट इज़ दैट एंड प्रो माइनस फिफ्टीन मीटर और यदि डिस्टेंस से कम हो गई तो दिस फोर्स सीज इज टू एक्ट ये नहीं लगता है फिर ये जीरो हो जाता है डिस्टेंस टू न्यूक्लियंस न्यूक्लिय के बीच का डिस्टेंस इस ऑर्डर का है तब तो है न्यूक्लियर फोर्स लेकिन इस डिस्टेंस से टेन प्रो माइनस फिफ्टीन मीटर से फोर्स टेन पो माइनस फिफ्टीन मीटर डिस्टेंस न्यूक्लियस बीच का डिस्टेंस यदि टेन पो माइनस फिफ्टीन मीटर से ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं एप होगा ठीक है सो दिज फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सिस बोल रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस एग्जिस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कम्पेरेबल टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज टेन पो माइनस फिफ्टीन मीटर ओके इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्स टेन टो माइनस फिफ्टीन मीटर दैन दिस फोर्स विल सीड्स मीनस ये नहीं लगेगा इट इज शॉर्ट रेंज फोर्सुरेट फोर्स का मतलब है कि एक न्यूक्लियन अपने नेबर्स के साथ ही अट्रैक्शन शो करेगा उसका कोई इन्फ्लुंस नहीं है ऑन अदर न्यूक्लियंस तो हो गया सेचुरेट एक्सचेंज फोर्स जैसे एक और चीज़ जो न्यूक्लियर फोर्स जब युकावा ने शुरू में न्यूक्लियर फोर्स के में बात बात करिए तो उसने बोला कि दो न्यूक्लियन आपस में इंट्रैक्ट करेंगे लेकिन बीच में एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है इनके बीच दैट इज कॉल्ड पाई पाइमिजोन इस पार्टिकल को बोलते हैं पाई पाईमीजोन दैट्स वरी न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स पाई पाईमीजोन भी पॉजिटिवली चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है और न्यूट्रल भी होता है तीन तरह का होता है मतलब दो न्यूक्लिय आपस में अट्रैक्शन में आ रहे हैं तो उनके बीच एक पार्टिकल, एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है बीच में दैट पार्टिकल इज कॉल्ड पाई पाईमीजोन और ये नॉन सेंट्रल फोर्स है अब वो है कूलम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है जो जो आपका दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी सेंट्रल फोर्स है लेकिन ये नॉन सेंट्रल है ठीक है सेंट्रल का मतलब ये होता है कि जैसे दो मासीज हैं तो उनको उनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलॉन्ग एक्ट होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स और ऐसे चार्जेस के बीच भी ऐसे होता है लेकिन दो न्यूक्लिय के बीच जो फोर्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा वो नॉन सेंट्रल फोर्स है ठीक है इट डज नॉट एक्ट अलॉन्ग दी लाइन ज्वाइनिंग दि सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्स एंड spin dependent स्पिन डिपेंडेंट जो मतलब दो न्यूक्लियन यदि उनका spin parallel है तो force की value ज़्यादा पाई गई है और यदि उनकी स्पिन एंटी parallel है तो फोर्स की वैल्यू कम पाई गई है इसका मतलब ये स्पिन डिपेंडेंट है कौन न्यूक्लियर फोर्स ठीक है अभी तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ से पढ़ लेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्या है ये थोड़ी न्यूमेरिकल करेंगे जल्दी से सो so, ये वाला नमेरिकल जो आपके सामने दिख रहा है ना अभी ये है आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर यदि आप करेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट नमेरिकल से पेपर में आने वाले नमेरिकल्स हैं ठीक है भाई सो so, देखो जरा यहाँ पे ये ऑक्सीजन है मास ऑफ ये बड़ा एम दिया हुआ है प्रोटोन का मास ये देखो एम पी दिया हुआ है और ये न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है एम एन ठीक है अटोमिक मास इतना करोता है अभी प्रोटोन का मास और ये न्यूट्रोन का होता है याद रखें दिए होते हैं याद क्यों रखने हैं दिए होते हैं वहाँ बिना मेडिकल आएगा तो ठीक है और यहाँ जेड प्रोटोनों की संख्या है जेड इज इक्वल टू है एट और ए माइनस जेड जो है दैट इज़ अगेन्न माइनस एट तो ए माइनस जेड भी एट है ठीक है अब आप पूछ रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो बाइंडिंग एनर्जी तो सिंपल है देखो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इन एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ये तो आ गया मास डिफेक्ट और इसको नाइन थर्टी वन से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग इलेक्ट्रॉन बोल में एनर्जी आ गई सारा कुछ दिया हुआ देखो जेड भी दिया हुआ बोलो कितना एट एम पी कितना ये दिया हुआ देखो ये एम पी है तो यहाँ मैंने ए माइनस जेड बता दिया मैंने एमरजेंड सीधा आप यहाँ एट लिख सकते हो एम मैन एम मैंने ये दिया हुआ है पुट करो और मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस ये दिया हुआ है यहाँ पुट करो नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई करो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी वेरी सिंपल ठीक है तो so, ये यहाँ हो कर सकते हो ये है इसमें बाइंडिंग एनर्जी और इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर निक्यून भी पूछा है इस, इसमें इस नेक्स्ट में तो so, इसमें ये देखिए आ गया ये यहाँ से सो वी फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूकुल लिथियम न्यूक्लियस दिया हुआ है तो बोलो जेड कितना थ्री ए माइनस जेड ए रखें ध्यान दे रहे हैं ए माइनस जेड या मीन सेवन माइनस थ्री ठीक है फोर आ जाएगा सीधा लिख सकते हो प्रोटोन का मास दिया हुआ दिस इज न्यूट्रॉन का मास दिस इज एम पी दिस इज एम एन एंड दिस इज मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला फिर बार बार लिख रहा हूँ जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम तक्रेबन के मास डिफेक्ट जाओ इस एनर्जी को मास सारे ए एम यू होंगे और नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी सारी बोलो जेड की जगह कितना भरेंगे थ्री मास ऑफ प्रोटोन ये दिया हुआ है बोलो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना भरेंगे ये दिया हुआ है बोलो ये माइनस जेड सेवन माइनस थ्री लिखेंगे यहाँ ठीक है माइनस सेवन एम ई लिथियम न्यूक्लियस का मास ये दिया हुआ है ये ठीक है यहाँ लिख देंगे और नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या निकल गई बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी पूछी हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे बटा कर दो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है बटा कर दो ए से बाइंडिंग एनर्जी बटा ए ठीक है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई ए सो ये आ जाए बाइनिंग नजर अपॉन ए और ए कितना है यहाँ पे सेवन तो जितनी भी आएगी ये उसके बाद सेवन से डिवाइड कर दो और आपको पता है लगभग ये थर्टी नाइन पॉइंट थ्री के आसपास आएगी और फिर ये थर्टी नाइन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई कितना बताया था मैंने यहाँ ए सेवन तो ये लगभग सॉल्व लग करके आपने अभी भी किया था कितना आया था पैंतीस चार ये आ जाएगा कितने कि तो ऐसे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जब निकालना है ना आपने तो आपने फिर यहाँ मास नंबर से डिवाइड कर देना है सिंपल ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये मैंने बता दिया आपको जो अभी किया ये किया गया देखो ये आंसर ठीक है और फिर आओगे जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिए आपको जैसे आपने लिथियम की निकाली जैसे आपने लिथियम की निकाली ना तो आप जैसे क्लोरीन की निकालने को बोला किसी ने फिर बोला आयरन की निकालो वो क्या निकालो बाइंडिंग एनर्जी निकालो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो जरूर तो वैसे करना है सब कुछ दिया न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मास भी दिया हुआ है देखो और ये प्रोटोन का मास न्यूट्रॉन का तो दिया ही होगा ठीक है और क्लोरीन न्यूक्लियस का मास भी ये दिया हुआ है ये सो जेड एम पी वो फार्मूला बार बार लगाएंगे फिर मैं लिख रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम और फिर मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा नाइन थर्टी वन से तो आंसर किस में आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन बोल में तो ये ये पहले आपने करना क्लोरीन के लिए बोलो जेड कितना सेवनटीन यहाँ भर देंगे मास ऑफ प्रोटोन ये दिया हुआ देखो ये भर देंगे ए कितना इसका थर्टी फाइव यहाँ थर्टी फाइव लिख देंगे जेड फिर आ गया सेवनटीन लिख देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दिया हुआ है तो तो पुट कर देंगे और मास ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस ये है मास ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस ये दिया हुआ है ये कॉमिक मास में पुट कर देंगे और नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा ठीक है और जब आप पुट करेंगे ये तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी ये आ जाएगी ये ठीक है दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी फॉर क्लोरीन न्यूक्लियस और फिर मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी जब आ गई तो पूछा क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा पर न्यूलिन बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो मास नंबर से मास नंबर कितना है क्लोरीन का थर्टी फाइव डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो जैसे क्लोरीन के लिए किया वैसे ही आपने आयरन के लिए करना इसमें जैड की जगह कितना भरेंगे ट्वेंटी सिक्स की जगह कितना भरेंगे फिफ्टी सिक्स ये भर देंगे प्रोटोन न्यूटोन का मास सेम ही होगा और मास ऑफ आयरन की जगह ये भरेंगे ये भर देंगे यहाँ निकालेंगे आपके पास आंसर ही जाएगा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की और फिर मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा इसमें तो इसकी मास नंबर से डिवाइड कर दो फिफ्टी सिक्स से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा यह अब ये पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों न्यूक्लियन में कौन ज़्यादा स्टेबल है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो आयरन की ये आई आयरन की एट पॉइंट सेवन एट और क्लोरीन की है ये ऊपर एट पॉइंट टू वन नाइन तो एट पॉइंट टू वन नाइन लेस है और एट पॉइंट सेवन एट ज़्यादा है बाइन एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की ज़्यादा है इसलिए आयरन ज़्यादा स्टेबल है किससे कलोरियन से तो ये कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जी और फिर हम नेक्स्ट जो है लास्ट ये, ये पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर तो बताओ कि ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ एटम फाइव तो डेंसिटी होती है मास बट ऑफ वॉल्यूम अब जो न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो है टेन पो माइनस फिफ्टीन मीटर और जो एटम का है वो है टेन पो माइनस टेन मीटर ठीक है तो बोलने का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम फिर न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा न्यूक्लियस ये एटम का साइज़ लिखा मैंने यहाँ न्यूक्लियस का साइज़ कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा वॉल्यूम कम होगा तो न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा होगी ये लिखा है ठीक है सो ये लिखा मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा मास ऑफ़ न्यूक्लियस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू मास ऑफ एटम एज द मास ऑफ मासक्ट्रॉन एन एटम इज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस बट द साइज ऑफ़ न्यूक्लियस जो है वो है टेन डिज पर माइनस फिफ्टीन या फोरटीन विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम तो यदि न्यूक्लियस का साइज़ ही कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा कम होगा स्मॉल होगा तो जब वॉल्यूम स्मॉल हो गया तो रो होता है एम पॉन भी वॉलीम स्मॉल हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ये चीज़ स्मॉल होगी तो ये चीज़ क्या हो, हो तो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो डेंसिटी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी ठीक है पूछ पूछना है कि वही मास डिफेक्ट वाला कि भाई न्यूक्लियाई हैव मास मासस दैन दम मासिज ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन्स तो मैंने बताया था कि जो डेल्टा एम होता है बेसिकली वो यदि हम न्यूक्लियंस का मास जेड एम पी जैसे बार बार लिख रहे हैं प्लस ए माइनस जेड ए न्यूट्रॉन का आ गया एम एन ठीक है ये आ गया जो भी इंडिविजुअल है उनका मास आ गया और आगे मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया तो यदि मैंने बताया था टेन है तो कितना आ रहा है नाइन पॉइंट एट आ रहा है तो डिफरेंस कितना आ गया जीरो पॉइंट टू अब जीरो पॉइंट टू जो मास है वो लॉस्ट हो गया मतलब वो मास कहाँ गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वो एनर्जी कहाँ यूज़ हुई उन न्यूक्लियंस को आपस में बाउंड रखने के लिए तो ये लिखा हुआ फॉर्म ए न्यूक्लियस ए फ्रैक्शन ऑफ देयर मास इज इसका टू एनर्जी ये वाला फ्रैक्शन है वो मास डिफेक्ट जिसको बोलते हैं एंड दिस एनर्जी इज यूज टू होल्ड दिज न्यूक्लियंस टूगैदर इन साइड मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन सम ऑफ दी इंडिविजुअल न्यूक्लियंस इन दैम मतलब ये चीज़ जो है ये ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस का मास क्या होगा कम होगा ठीक है तो फिर जो लॉस्ट मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में और वो एनर्जी उन न्यूक्लियंस को आपस में बाउंड रखने के लिए यूज होगी समझे और एक और लास्ट क्वेश्चन छोटा सा ये तो बताइए इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे इसमें तो ये आ गया जैसे ये लेड है तो इसमें प्रोटॉन्स टॉम के नंबर केक्ल तो और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो आपको बताइए ठीक है, है? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं ए माइनस जैड टू जीरो सिक्स माइनस एटी टू वन ट्वेंटी फोर ठीक है अच्छा आपने ये देखा कि हैवी न्यूक्लियर ये हैं जैसे आपका यूरेनियम टू थर्टी एट हम ले रहे थे बाइ एनर्जी करम में तो इसमें प्रोटॉन्स तो हो गए नाइन्टी टू ठीक न्यूट्रॉन्स कितने होंगे न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ इसमें कितनी होगी न्यूट्रॉन्स लगे टू थर्टी एट माइनस नाइन्टी टू आठ में से दो गए छ चार तो वन फोर्टी सिक्स हो जाएंगे तो आपने देखा कि जैसे हैबी न्यूक्लियाई हैबी न्यूक्लियाई में मैं ये बोल रहा हूँ हैवी न्यूक्लिया में प्रोटोन कम है और न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो ऐसा क्यों होता है न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या हो प्रोटोन ज़्यादा हो गए तो फिर न्यूक्लियर जो आपके न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियन्स हैं प्रोटोन्स बढ़ जाएंगे तो प्रोटोन्स के बीच कूलम्स रिपल्सि फोर्स होता है वो बढ़ गया तो न्यूक्लियस जो वो अनस्टेबल हो जाएगा तो और न्यूट्रॉन बढ़ने से क्या होगा जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं वो बढ़ जाएगा इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तभी न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो ये लिखा इन इन्हें न्यूक्लियस देरी कूल इन रिपल्सि फोर्स प्रोटॉन्स इन एडिशन टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ठीक है ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस देर इज ऑनली शॉर्ट रेंज रेंज्रैक्ट न्यूक्स न्यूट्रॉन बढ़ने से क्या होगा न्यूक्लियर फोर्स ही बढ़ेगा शॉर्ट रेंज होता है वो बहुत आपको और हैवी न्यूक्लियर टू वी स्टेबल यदि वो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए रिपल्सिव फोर्स कम होना चाहिए मस्ट भी लेस किसके बीच प्रोटॉन्स के बीच सो यदि ये पॉसिबल तभी है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस तभी रहेगी रिपल्सिव फोर्स प्रोटोन्स के बीच so कम होना चाहिए ठीक है तो मैं प्रोटोनों की संख्या कम होनी चाहिए तो दिस इज पॉसिबल इफ कौन बढ़ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके दैन